छत्तीसगढ़ से जहां युवती के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया है। कोर्ट परिसर से युवती को परिजन उठाकर ले गए थे। अब युवती का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गया, मुझसे कोर्ट में जबरन शादी करने का दबाव डाला। वीडियो में युवती को जबरदस्ती कार में उठाकर परिजन ले गए थे। नॉन जुडिशियल एफिडेविट में विवाह अनुबंध भी आया है सामने। युवक ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती के परिजनों पर जबरन पत्नी को उठा ले जाने का मामला सामने आया। वहीं युवती ने अब युवक पर भी कई आरोप लगाए हैं, जबरन साइन करवाने के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर सामने आई थी, किस तरह से जबरदस्ती इस युवती को कार में बिठाकर लेकर चले गए थे। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। ने मुझे लेकर उठाकर लेकर चला गया और मैं उसके साथ चली गई और वहाँ से मैं कोर्ट गए और कोर्ट में उसने मुझे खाली कागजों पर साइन करवाए और मुझे वहाँ मैंने बाहर जाकर अपने मामा को कॉल किया, वो आ गए और मैं उनके साथ आने लगी तो उन मुकेश और उसकी मम्मी और उसके साथ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं आ गई अपने मामा के साथ। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आया, मैं अपनी मर्जी से आई। अब मैं अपने अन्याय में लेना चाहती हूँ। नाम बता। नाम मेरा कांता, कांता रेवतराम मुकेश। और इसी के साथ